हाय, माय सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र शाह, कंसल्टेंट पेडियाट्रिक्स फ्रॉम जयप्रकाश हॉस्पिटल राउरकेला। आज मैं आपको प्रीमेच्योर बेबीज़ के बारे में कुछ बताऊंगा। प्रीमेच्योर मतलब जो बच्चे 37 वीक्स कंप्लीट करने से पहले पैदा हो जाते हैं, तो उनको हम प्रीमेच्योर बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होते हैं, पेरेंट्स बहुत एप्रीहेंसिव रहते हैं, उनके मन में डर बैठ जाता है कि क्या होगा हमारे बच्चे में, अगर लो बर्थ वेट हुआ, ज़्यादा प्रीमैच्योर हो गया तो क्या हो गया, कहाँ डिलीवर कराएं। तो आज मैं आपको हमारे हॉस्पिटल में एक तो एक्सट्रीम प्रीमैच्योर वेरी एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ के बारे में कुछ बताऊंगा। मेरा नाम संतोष कुमार रजक है, मैं प्लानसड में रहता हूँ, और ये मेरी वाइफ काजल देवी रजक है। इनका प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम फेस किए। जब इनका प्रेगनेंसी था तो उस समय इनको कोविड हो गया, और कोविड की वजह से राउरकेला में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सभी जगह गए, तो कोई भी हम लोग वहाँ पे अपने हॉस्पिटल में रखने के लिए राजी नहीं हुआ। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर हम लोग का देखिए वाइफ का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप थोड़ा सा देखिए सर। भटकने के बाद बहुत मुश्किल से एक हॉस्पिटल वाला इनको एडमिट किए, एडमिट करके इनको ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद जब इनको उनको भी पता चला कि इनको कोविड है, तो वो तुरंत फिर बोले कि जेपी में आप लोग को रिफ़र किया जाएगा। और जेपी जैसे ही बोले तो जेपी के नाम से हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, क्या कि मार्केट में कोई भी इंसान को बोलते थे कि हम लोग को जेपी में रिफ़र किया जा रहा, तो कोई भी इंसान हम लोग को यहाँ पे आने से मना करते थे। लास्ट में एक सर है, उनका नाम संग्राम सर है, तो सर को फ़ोन किए, सर ऐसा ऐसा बात है क्या करें, कि मेरा विश्वास पे आप जेपी आइए, एक बार यहाँ का सर्विस देखिए, तब आपको पता चलेगा इनका ट्रीटमेंट के लिए। जैसे ही हम लोग आए इमरजेंसी में वहाँ पे जितने भी सिस्टर सर थे काफ़ी तेज़ी से, मतलब इतना तेज़ी से वो लोग मतलब हैंडल किए कि हम लोग मतलब चौक के रह गए। मतलब हम लोग आते आते यहाँ पे पेपर हम लोग रेडी करा रहे, और वहाँ पे तुरंत इनको अपना वो लोग ले गए ऊपर में जहाँ इमरजेंसी रूम है, जहाँ पे इनको इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रेगनेंसी होना चाहिए, तुरंत ऊपर में ले गए और ले जाके मतलब विद इन आधा घंटा एक घंटा के अंदर अंदर इनका बेबी जो होने का था वो नॉर्मल में बेबी हो गया। बच्चा प्री मच्योर होने की वजह से क्या है कि वो एक महीना तक यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रहा, NICU में एक महीना तक कंटिन्यू हम यहाँ पे रहते थे, रात में भी हम यहीं पे सोते थे। यहाँ के जो भी सिस्टर है, जो सर है, जैसे कि जो मेरे बच्चे को जो ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर देवेंद्र शाह सर है, उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा, मतलब अपना घर के बच्चे को जिस तरह से वो ट्रीटमेंट करते हैं उस तरह से उन्होंने हम लोग का साथ दिया। दीप्ति माई सिस्टर है जो कि वहाँ की इंचार्ज थी, उन्होंने हर एक समय में अगर बाबू के लिए मेरे को दूध ले जाना था, अगर कुछ प्रॉब्लम होता था, तो तुरंत मैं दीप्ति माई सिस्टर को फ़ोन करता था, तुरंत वो अपना एक भाई की तरह मेरे को सपोर्ट की। लेकिन यहाँ पे जब हॉस्पिटल में आया और मार्केट में जो इसके बारे में सुना था, जस्ट मेरे को उसका अपोजिट देखने को मिला। ये हॉस्पिटल जो है काफ़ी अच्छा है, जो कि आज इसी हॉस्पिटल के वजह से डॉक्टर देवेंद्र शाह सर के वजह से ये बहुत हेल्प, मतलब अगर बोला जाए तो हम उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकेंगे, इतना ज़्यादा हेल्प किए। तो मेरे को बहुत बच्चे लोग जानते होंगे क्योंकि मैं भी एक सर हूँ इसके वजह से, और आप लोग अगर मेरे को जो जानते हो कि पर्सनली, तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब सच बोलता हूँ, खुद मेरा फैमिली के साथ हुआ है, तो इसीलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ अपना मतलब जो हुआ है उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ये आपका जो जेपी हॉस्पिटल है काफ़ी अच्छा है, यहाँ का फैसिलिटी और यहाँ का जो साफ़ सफाई, यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर लोग काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, मतलब मेरे को जो पर्सनली मैं जानते हैं, अगर मेरा वीडियो देखे, अगर आपको कभी भी कुछ डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो मेरे को भी फ़ोन करके आप बोल सकते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो या मार्केट में कभी भी इस अस्पताल के बारे में कोई नेगेटिव बोले, तो आप ज़रूर मेरे से मिलें, या फिर डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में आके खुद से एक बार यहाँ का सर्विस देखें।